हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार। मित्रों, आज वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, व्यापार, करियर और उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। आज आपको बताएंगे किन क्षेत्र में आपको जाने से आपको काम में सफलता मिल सकती है, आपको पहले से दोगुना मुनाफा मिल सकता है। आज आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। आज आपको किन चीजों से सावधान होकर सतर्कता बरतनी चाहिए, इन सभी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज बताना चाहूंगा कि आज किसी नई योजना को लागू करने के लिए आपको लाभ मिल सकता है, किसी जरूरी काम में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त हो सकता है, मित्रों की सलाह लाभपूर्ण हो सकती है, किसी मित्र से आपको आज उपहार या गिफ्ट मिल सकता है, परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बन सकती है। आज आप मंदिर में फलदान अवश्य करें। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है, आज कारोबार में अचानक फायदा होने के योग बन रहे हैं, सहकर्मी आपकी मदद के लिए तत्पर रहने वाले हैं, आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और ज्यादा मजबूत होने वाली है। आज आप जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहते हो उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग अवश्य कर लें। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो आपको पहले से दोगुना मुनाफा देखने को मिलेगा। आज वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होने की वजह से आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, व्यापार में आ रही अड़चनें, आपके पैसों से मामले पैसों की तंगी आपके दूर होने वाली है। आज आप व्यापार में आगे बढ़ सकते हो, अपने जीवन को एक नई दिशा दिखाने वाले हो। आप कुछ अच्छे कामों को रुकावट आ सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि किसी से बेफिजूल की बातों में ना पड़ें। आज आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मां लक्ष्मी की उपासना आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। आप किसी मंदिर में किसी गरीब को कुछ दान करें, जो भी आपसे बन पड़े आप उनको दान अवश्य करें। राह चलते किसी भी मनुष्य को जो कि आपके मदद की आवश्यकता है उन्हें आप उन्हें मदद अवश्य करें। आज आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपको इन सभी करने के इन छोटे से उपाय करने के लिए आपको इन छोटे से उपाय करके आप बहुत बड़ा लाभ कमा सकते हो, इसलिए ये जरूर करें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।